YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अभी देखते हैं यूज ऑफ डू डस डिड। इनके साथ जनरली हम और ऑग्ज़ीलियरी वर्ब्स होते हैं, जैसे has, have and had। तो इन सब का जो है इस्तेमाल जो है हम सीखेंगे अभी। ये भी स्पेशली कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है, लेकिन बाकी सभी आप क्लास 6 से अपना जो पीजी लेवल तक जो भी आप इंग्लिश में अध्ययन कर रहे हैं, तो जहाँ ग्रामर की बात होगी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंस की बात होगी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्लास 10th के सिलेबस में है तो इस आधार पर मैंने 10वीं की बात कही। तो देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करते हैं। तो जनरली देखा जाए तो ये सारे जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब्स। तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि डू का इस्तेमाल किसके साथ, डस का किसके साथ, हैज का, हैव का, हैड का किनके साथ, किनके साथ करना है। तो ये सबसे पहले ये जान लें कि डू डस और ये डी जो है इसका पास्ट फॉर्म है। इसका ये डू का ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म। उसी प्रकार से हैज और हैव का ये हैड क्या है, ये पास्ट पास्ट फॉर्म है। इतना दिमाग में हमको याद रखना पड़ेगा, उसके बाद आगे हम देखते हैं किस प्रकार से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो किन किन के साथ हम कर सकते हैं, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और जो भी बहुवचन थिंग्स या जो भी चीज लेंगे वो पीपल्स लेंगे, जैसे एक उदाहरण के लिए टीचर्स, ये तो इनके साथ जो है हम डोंट ये नेगेटिव बनाने के लिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं डू नॉट। ये तो इस प्रकार से इसके, तो देखिए किनके किन के साथ हमने किया, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल थिंग्स या पीपल्स के साथ। उसी प्रकार से डज का इस्तेमाल किनके किन के साथ कर सकते हैं उनको देखते हैं। तो डज का जो यूज है हम देखिए, ही डजंट सी, डजंट ईट, डजंट, उसी प्रकार से सिंगुलर आपका पर्सन या थिंग हो जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं, टीचर डजंट, ये डजंट का मतलब है डज नॉट। तो ये हुआ डज का। अब देखें डीड का, डीड का यूज जो है
और डिड को हमने जान लिया कि ये क्या है, पास्ट फॉर्म है इसका, डू का, डू का ये पास्ट फॉर्म है। तो ये हम जो है आई वी यू दे टीचर्स ही सी ईट टीचर, ये सबके साथ जो है हम डिडंट या इसको ऐसे समझते हैं डिड नॉट, ये सबके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसको याद रखना है। इसी प्रकार से हैव किन के साथ होगा, तो वही इधर मैं लिख देता हूं आई वी यू दे ये इन सबके साथ, इसके साथ ये टीचर्स और हैस इनके साथ होगा ही सी ईट और टीचर, ये इनके साथ हैस। अब ये दो फॉर्म में किया, जैसे आई के साथ आई हैवंट, या ही के साथ ही hasn't, इसी प्रकार से। अब इसका हेड का देख लेते हैं, हेड तो ये पास्ट फॉर्म है इसका, हैव या इसी को बी फॉर्म भी कह रहे हैं इसका। तो ये इसमें आपका सबके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, टीचर्स, टीचर, ही, सी, इट, इन सबके साथ जो है हेड डेंट, हेडेंट या हेड का प्रयोग होगा हेड नॉट के रूप में, ये हेड नॉट। तो ये तो हुआ निगेटिव बनाने के लिए। अब जो है इनका प्रयोग प्रश्नवाचक बनाने के लिए देखते हैं। तो हम तो जानते हैं आई के साथ क्या लगना है, डू, तो डू आई क्वेश्चन मार्क, Do you question mark, do they question mark, do teachers question mark, इसी प्रकार से does सी ए क्वेश्चन मार्क, डज ही क्वेश्चन मार्क। तो ये इस प्रकार से ये आपका वाक्य आगे बढ़ेगा, लेकिन ये याद रखना है कि डू हमने पहले लगाया, और इस प्रकार से हम वाक्य को क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं है भाई Have you, have they, have teachers, और फिर इधर देखें तो has, she, has,
ही उसी प्रकार से हैज, कोई नेम हो तो नेम, जैसे अमायरा, ये तो इस प्रकार से हेड तो हेड और डिड तो सब में आएगा, तो इनको हमको ध्यान में रखना है। अगली वीडियो में हम इनका सभी का, अच्छा हेड का भी देख लें, फिर अगली वीडियो की बात करेंगे। तो हेड आई हेड यू हेड दे हेड सी हेड ही, ये इस प्रकार से इनका प्रयोग होगा। और अगली वीडियो में हम इसका पूरा एक एक सबका उदाहरण देखेंगे और उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आई आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या टीचर्स के साथ, सी के साथ, ही के साथ, ये जो डूअर्स हैं, जो करता है, किन कर्ताओं के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब जो है इस्तेमाल में लाएंगे, कब निगेटिव बनाने के लिए और कब प्रश्नवाचक बनाने के लिए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इतना आप अभी याद रखेंगे। और इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।